स्टूडेंट्स, अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल लेके आपके सामने है यहां पर। इसको ये समझने की कोशिश करिए। देखिए न्यूमेरिकल को जिस तरह से दिया हुआ है कि दो पिथ बॉल्स जो कि सेम चार्जेस की हैं, उन एक दूसरे के साथ में लटकाई जाती हैं। एल थ्रेड की लेंथ है तो वो एक दूसरे से रिपेल हो जाती हैं और एक दूसरे से दूर चली जाती हैं सर्टेन डिस्टेंस पे। वो सर्टेन डिस्टेंस पे जाके पहुंच गई। थ्रेड की लेंथ एल है और उसको सपोर्ट से लटका दिया गया है तो वो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही हैं। वो वर्टिकल से एंगल थीटा बना रही हैं और हर एक इस पिथ बॉल का चार्ज है स्मॉल क्यू, लेकिन इनका मास नेग्लिजिबल है। हम यहां मास को नेग्लिजिबल लेके चल रहे हैं। इस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि जो भी चार्ज इस पर होगा दैट विल बी इक्वल टू 4mg L sin theta tan theta 4 pi epsilon 0। मास नेग्लिजिबल है, बहुत हल्का सा मास है, पर लेंगे हम, कंसीडर करेंगे मास को। तो हमें प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4mg L square sin square theta tan theta 4 pi epsilon 0। अब आप कह सकते हैं सर ये देखने में बड़ा कठिन लग रहा है, ये कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, पर ये बड़ा इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है। आपने अगर मेरा पिछला वीडियो देखा है जिसमें न्यूमेरिकल इस तरह का सॉल्व किया है, सेम लॉजिक को लगा के हम इस न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमें फिर वही काम करना पड़ेगा, इसके कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ेंगे। तो चाहिए सबसे पहले कंपोनेंट रिजॉल्व करें और फिर इसकी इक्वेशंस बनाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए सबसे पहले अब हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करेंगे। एज यूजुअल जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन इन पे लग रहा है क्योंकि सेम चार्ज गिवन था, तो इधर की तरफ जाने वाला ये फोर्स होगा एफ। दिस इज द फोर्स एफ, हमने इसको लिख लिया। स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाएगी टी, तो ये टेंशन ऑफ द स्ट्रिंग है, यहां टेंशन हो जाएगी स्ट्रिंग में। एक बात, यहां पे जब ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रहा है तो यहां पे ये टेंशन लग रही है, इसके रिस्पेक्ट में यहां पर एक वेट ऑफ द बॉडी लगेगा, वेट ऑफ द बॉल, वेट ऑफ पिथ बॉल जो डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, इसको ड्रॉ कर लिया। अब टेंशन के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हैं, ये एंगल ऑल्टरनेट एंगल से थीटा होगा तो ये टी साइन थीटा टी कॉस थीटा, दिस विल बी टी साइन थीटा एंड दिस विल बी टी कॉस थीटा, ये दो कंपोनेंट बन जाएंगे आपके सामने। अब आप इन चारों को फिर से इक्वेट करिए और जो हम चाहते हैं वो कैलकुलेट किया जा सकता है, यानी जो भी हमको प्रूफ करना था, जो वेरीफाई करना था, गिवन था, वो वेरीफाई हो जाएगा, क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल आएगी। कैसे, आइए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले आपने लिखा टी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ, दूसरी इक्वेशन आपने लिखी टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब आप इन दोनों इक्वेशन में जो भी वैल्यूज रख सकते हैं उस वैल्यूज को रखिए और टेंशन को तो रिमूव कर देंगे क्योंकि टेंशन तो हमारी क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए है ही नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करिए। तो देखिए एज यूजुअल इसको सॉल्व करके बन जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करके टेन थीटा टी टी कैंसिल हो जाएंगे इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अब आप इसमें टेन थीटा की वैल्यू रखिए और फोर्स की वैल्यू रखिए और इसकी वैल्यू को रख के इसको फर्दर सॉल्व करेंगे और वेरीफाई करेंगे, देखिए कैसे आंसर आएगा। तो अब हम अपनी इक्वेशन को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए हमने लिख लिया टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी। अब इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी यहां पे समझना होगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू एफ अपॉन एम जी, अब हमने इसको लिख लिया एफ इज इक्वल टू टेन थीटा इंटू एम जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए एफ की वैल्यू लिखी तो एफ की वैल्यू क्या होगी, 1/4 pi epsilon 0 क्यू इंटू क्यू अपॉन सी डी स्क्वायर, ये डिस्टेंस है इसके बीच का, तो 1/4 pi epsilon 0 q स्क्वायर अपॉन सी डी स्क्वायर। अब यहां पे q स्क्वायर को अकेला छोड़ दीजिए क्योंकि यही तो प्रूफ करके लाना था, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा mg 4 pi epsilon 0 इनटू सी डी स्क्वायर। अब यहां पर हमारे सामने सारी वैल्यूज क्लियर हैं, बस एक अननोन वैल्यू है सी डी। सी डी मींस यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, हमने इसका नाम दिया ए सी डी और ये बी पॉइंट, तो हमें यहां से इस सी पॉइंट से इस डी पॉइंट तक यानी कि इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा। इसको निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के अप्रोच लेंगे। तो देखिए सी डी निकालेंगे, सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले सी बी निकाल लें यानी कि बी सी निकाल लें और इसका डबल कर दें तो सी डी आ जाएगा। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री लगाया, हमको ये एंगल थीटा पता है और ये हाइपोटेन्यूज पता है और ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो हमने लिख दिया साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि BC अपॉन AC, तो साइन थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, तो BC अननोन है यही तो निकालना है और इसकी AC की वैल्यू पता थी हमको, थ्रेड की लेंथ L
इसको लिख दिया, तो BC इज इक्वल टू L साइन थीटा, तो ये आ गई लेंथ L साइन थीटा। अब जब ये L साइन थीटा आ गया, इसका डबल कर दीजिए तो 2L साइन थीटा, टोटल लेंथ BC आ गई। लीजिए आंसर आसान हो गया। अब आप उठा के इस CD स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 2L साइन थीटा होल स्क्वायर, तो हमारे सामने क्या इक्वेशन बन के आ जाएगी, इसको देखिए मैं लिख रहा हूं, तो आपके सामने आंसर आएगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू टेन थीटा एम जी फोर पाई एप्सिलॉन जीरो, और CD की जगह हमने लिख दिया 2L साइन थीटा होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यही हमको प्रूफ करना था। तो आपके सामने इस तरह से ये प्रूविंग हो गई और आपने चार्ज Q स्क्वायर के फॉर्म में निकाल लिया।